नमस्कार, माय डिफेंस, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन। दोस्तों, मैं हूं रणवीर सिंह और देखिए मैं आ गया हूं फिर एक भर्ती विज्ञापन लेकर। जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखिए, इस पूरे वीडियो के अंदर बात करूंगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, वैकेंसी आपकी कितनी है, और देखिए आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये सारी चीजें इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, दसवीं और बारहवीं पास के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, ये वैकेंसी उनके लिए, और देखिए ये वैकेंसी जो है वो देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर देखिए, सीधा मैं आपको बता दूं, महिला हो या पुरुष, उनके लिए सीधा ही हेड कांस्टेबल की भर्ती है। तो हेड डायरेक्टली आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, दसवीं बारहवीं पास अभ्यर्थी। इसमें देखिए टोटल वैकेंसी है 1312 जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और देखिए, अब मैं थोड़ा डिटेल्स में यहां पर बात कर लेता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो महिलाओं को करने होते हैं। आजकल महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, सेना में आपने देखा होगा। तो देखिए, जो लोग अपना करियर बीएसएफ में फोर्स में बनाना चाहते हैं, बेल्ट की नौकरी जो लोग करना चाहते हैं, तो वो योग्य कैंडिडेट हैं। तो उनके लिए देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहां पर आप जो 19 सितंबर आपकी आखिरी तारीख है, ठीक है, आखिरी तारीख है 19 सितंबर, और 20 अगस्त से इसके ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका देखिए लिखित परीक्षा होगा, आपका देखिए फिजिकल टेस्ट होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो देखिए हेड कांस्टेबल आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर, इसके लिए 100-100 अंक का आपका यहां पर डिटेक्शन टेस्ट होगा। हेड कांस्टेबल आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक, यहां पर देखिए 200 अंकों का आपका व्याख्यात्मक टेस्ट होगा, और देखिए टेस्ट के लिए 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या बहुविकल्पीय प्रकार के आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल के देखिए 2 अंक यहां पर होंगे, और गलत उत्तर देने पर देखिए 0.50 मतलब आधा नंबर काटा जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये उन साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदे की बात है। फिजिक्स के 40 सवाल आएंगे, गणित के देखिए 20 सवाल आएंगे, केमिस्ट्री के 20 सवाल आएंगे, और देखिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज के यहां पर 20 सवाल पूछे जाएंगे, 20 सवाल पूछे जाएंगे, और जीके में करंट अफेयर्स होगा, आपका इतिहास, भूगोल, जनरल साइंस से आपके सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए हेड कांस्टेबल आपका रेडियो ऑपरेटर हो गया, ठीक है, उसकी भी क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं है, और देखिए हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक मतलब आरएम के लिए यहां पर देखिए 10वीं 12वीं के साथ आईटीआई आपको होना जरूरी है। अब देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है उस पर हम बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए देखिए जनरल और ओबीसी में आपका देखिए यहां पर जनरल और ओबीसी में 157 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, एससी एसटी में महिलाओं के लिए 154 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, पुरुषों के लिए जनरल ओबीसी में 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, एससी एसटी में 162.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और देखिए एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 18 से 25 वर्ष के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं 10वीं 12वीं पास वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो कैटेगरी वाइज आपको जो छूट मिलती है वो आपको यहां पर मिलेगी। अब देखिए बीएसएफ के 1312 पदों के लिए देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सातवां वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपए मतलब लेवल 4 के आधार पर आपको सैलरी मिलेगी, और इनहैंड जो सैलरी है वो 45,800 यहां पर शो की गई है। तो देखिए अब ये फॉर्म आपके 20 से भरे जाएंगे, तो आप अपनी कमर कस लीजिए और सबसे पहले फॉर्म भरे, आपको जनरल जानकारी यहां पर पूरी मिल गई है। और देखिए आपको इसके लिए देखिए bsf.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएफ की, उसका लगातार विजिट करते रहना है। 20 अगस्त से 19 सितंबर के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और स्टार्टिंग में ही आप अपना फॉर्म भरते हैं, आखिरी में बिल्कुल ना रहें। तो ये संदेश सभी साथियों तक शेयर करें, फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।